पहले तो इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ओके ये वाई इक्वल टू क्या, सपोज ये आपका लॉग ए एक्स है, ओके इक्वल टू वाई। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होगा बच्चों, एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर वाई, एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई, ओके ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अब तो थोड़ा लॉगरिथम देखिए थोड़ा, ओके आपका लॉग एम इन टू एन बोलिए क्या फॉर्मूला है, लॉग एम इन टू एन बोलिए, लॉग एम प्लस लॉग एन, ओके ये आपका लॉग एम प्लस लॉग एन, ओके ठीक है। नेक्स्ट लॉग एम बाई एन बोलिए, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ओके ये लॉग एम माइनस लॉग एन, ओके ये लॉग एम बाई एन लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बच्चे लॉगरिथम फिर आप लोग को यूज होगा 12th क्लास में, ओके कैलकुलस में पूरा यूज है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज होगे। लॉग एम टू द एन का क्या फॉर्मूला है, लॉग एम टू द एन का फॉर्मूला एन लॉग एम, ये एन लॉग एम, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका लॉग ऊपर लॉग वन कितना देखिए, अच्छा लॉग वन देखिए आपका, लॉग वन का वैल्यू बोलिए, ये लॉग एम इन टू एन लॉग एम प्लस लॉग एन, ओके अगर लॉग एम टू द एन होता है क्या हमारा एन लॉग एम होता है, ठीक है। और लॉग वन कोई भी बेस हो वो लॉग वन जीरो होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट बात है ये तुम्हारा लॉग ए ए ए कितना होता है, ये दोनों सेम होने से इसका वैल्यू कितना बोलिए, वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर ये लॉग एक्स का पार बी है वाई है, ये बी को बाहर लेना चाहता हूँ क्या होगा, ये बी को बाहर लेना चाहता हूँ क्या होगा, वन बाई बी लॉग वाई, वन बाई बी लॉग बिकॉज बेस एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला इसी का थोड़ा फॉर्मूला है, ये लॉग एक्स का पावर एम है और ये वाई का पावर एन है, ये वाई का पावर एन है, ओके लॉग एक्स का पावर एम है वाई का पावर एन, ये दोनों को बाहर लेना चाहता हूँ, एम को भी बाहर लेना चाहता हूँ एन को भी बाहर लेना चाहता हूँ क्या होगा, एन बाई एक्स लॉग, ये एम जब बाहर आता है तो वन बाई एम होता है एन, ये एन बाई एम ये लॉग कितना एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट बार देखिए समझ गए बच्चों, बी को बाहर लाएंगे तो वन बाई बी होता है, कहाँ कहाँ मुझे ये एक्सचेंज करना है, ये बेस को चेंज करना है, इनको एक्सचेंज करना है तो क्या होगा बच्चों, इनको एक्सचेंज करना है तो वन बाई लॉग बी, वन बाई लॉग बेस बी है, ठीक है। ये एक्सचेंज जब करना है, ओके टेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। टेन वाला प्रॉपर्टी है आपका, ओके कि ये ए का पावर लॉग बी ए सी, ये दोनों एक्सचेंज होगा, हो सकता है ये दोनों एक्सचेंज हो सकता है, सी आ गएगा, ओके ये लॉग बी है, ओके ऐसा एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, ओके एन समझ नहीं पा, अरे सी नीचे आ जाएगा ए ऊपर आ चला जाएगा, ये पढ़ाया गया था भाई लॉगरिथम टाइम में, ओके ये आपका क्या हुआ, ये एक्सचेंज हो गया, ओके क्या सी नीचे आ गया, जो ए ऊपर चला जाएगा और क्या सी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये तुम्हारा दोनों एक्सचेंज हो जाता है, ओके नेक्स्ट वाला ए टू बार लॉग एक्स, ये आपका एक्स होता है, ये ए और लॉग कट जाता है एक्स आता है, ठीक है। उसी तरह ये लॉग ए ए एक्स, ये भी एक्स होता है, ये ए और ए कट जाता है, ठीक है। तो इतना ही प्रॉपर्टीज है आपका लॉगरिथम का, ओके ठीक है बच्चों। ज़्यादातर ये ज़्यादा यूज होता है लॉग एम इन टू एन लॉग एम बाई एन और ये तीनों ज़्यादातर यूज होता है, ओके और एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। सर थोड़ा स्क्रीन को छोड़ते हैं,
हो गया बच्चों। और सर थोड़ा ऊपर देखें। यस सर। अच्छा नेक्स्ट बात है, देखो बच्चों हमारा लॉगरिथम का ये है ओके, कि ये लॉगरिथम का जो है ये वाई इक्वल टू ये सब लॉग ई एक्स ओके, वाई इक्वल टू लॉग एक्स ओके, सर कुछ कंडीशन रहता है, कंडीशन ये रहता है एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है ओके, एक्स का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है। सेकेंड बात भी ए बी ग्रेटर देन जीरो होता है ओके, और ए बी कभी वन नहीं होता है ठीक है। अच्छा तो ये तीन ही कंडीशन है ओके, तीन ही कंडीशन है, एक है कि ए ग्रेटर देन जीरो है, ए का वैल्यू वन नहीं होता है, और एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है लॉगरिथम फंक्शन का, ये तीन कंडीशन होता है ओके। ए का वैल्यू तुम्हारा ये जो है ना ए, ए का वैल्यू जब जीरो से ज़्यादा और क्या वन से कम के बीच में जब रहता है ओके, जीरो से ज़्यादा और वन के बीच में जब रहता है, किसका ग्राफ बच्चों ऐसे होता है, इसका ग्राफ बच्चों ऐसा आता है, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा ऐसे ओके, कि ये जाएगा ये तुम्हारा किस में, इसका ड्रॉ भी करेंगे हम फंक्शन जब पढ़ाएंगे लॉगरिथम फंक्शन, उस टाइम में ये इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे टेबल बना के ओके, एक्स का वन ओके वाई का जीरो इसमें जाता है ओके, और ये ग्राफ ऐसा होके जाता है कुछ ओके, ऐसा डिक्रीजिंग होता है ओके, वन जीरो में ये जाता है ओके, ऐसा डिक्रीज होके जाएगा ओके। ये किस किस का ग्राफ हो सकता है, अगर तुम्हें कोई बोलता है वाई इक्वल टू लॉग बेस हाफ एक्स ओके, इस टाइप का ग्राफ में आपका जाता है ओके, इस टाइप का ग्राफ में जीरो ओके, जिसका बेस जो है जीरो और वन के बीच में रहता है, अगर कोई बोलता है लॉग 0.4 एक्स, इसका ग्राफ सब ऐसा होता है, अगर कोई बोलता है लॉग ओके 1/3x, जिसका बेस जो है किसके बीच में रहता है, जीरो और वन के बीच में रहता है, सर डिक्रीजिंग का ही होता है ओके ठीक है बच्चों, ये डिक्रीजिंग जब रहता है ओके। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है ना, कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग रहता है ओके, कोई भी फंक्शन जब ये डिक्रीजिंग, सपोज एक फंक्शन है गणधन आपका ए है ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर एफ एक्स क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इफ एपेक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ओके, तो डिक्रीजिंग फंक्शन जब होता है ओके, तो अगर एपेक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ओके, तो बजे आपका ग्रेटर देन है, तो एक्स उस तरफ जाएगा, एफ उस तरफ जाएगा तो ओके, या पिन बॉस ये होता है ओके, एफ उस तरफ जब जाता है तो ओके, ये तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है, अगर एफ एक्स एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स अगर कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो एक्स अगर उस तरफ जाने से तो क्या होता है ओके, तो एफ इनवर्स जब होता है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है ओके। सो बहुत बड़ा एफ एक्स एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, या लेस देन या लेस देन इक्वल टू हो, तो नेक्स्ट जब उस तरफ जाता है ओके, तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में ही रिवर्स होता है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ ओके, तो सपोज तुम्हारा कॉस एक्स इक्वल टू तुम्हारा ओके, कॉस एक्स ग्रेटर देन सपोज 1/2 है ठीक है, कॉस एक्स एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस एक्स एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ओके ठीक है, आपको पता है कॉस 0° 1 है ओके, और कॉस 90 0 है ओके, कॉस 180 कितना, कॉस 180 कॉस 180 माइनस 1 है, तो ये एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ओके, तो एक्स जब निकालेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन में जब एक्स ये करेंगे, तो तुम्हारा क्या है कॉस एक्स डिक्रीजिंग 0 to π/2 है, 0 to π कॉस एक्स डिक्रीजिंग है ओके, कॉस एक्स का जो वैल्यू है 0 to π में वो डिक्रीज होता है ठीक है। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो नेक्स्ट निकालेंगे तो साइन इक्वल टू ये कॉस इनवर्स इधर आएगा, कॉस इनवर्स 1/2 ओके,
तो जब ये इस तरफ आएगा तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन में द क्या होता है, द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अगर साइन एक्स अगर है, अगर साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन एक्स अगर ग्रेटर देन 1/2 है, देन एक्स उधर जाएगा तो साइन उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स कितना 1/2 है। तो ये साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। तो साइन 0° 0, लेफ्ट टू राइट देखोगे साइन 90 कितना 1, ओके ओके। तो 0 to π/2, 0 to π/2 साइन एक्स एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। अगर ये -π/2 इधर है, ओके, -π/2 से +π/2 साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन में कुछ नहीं होता है, आप लोग का डिक्रीजिंग फंक्शन में, ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन में सेम साइन रहता है। आप लोग का डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ द इनइक्वालिटी डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट देखोगे तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो बच्चों लॉग जो है ना, ये आपका 0 से 1 अगर ऐसा बेस रहता है, ओके, तो अगर इसका कोई ये करते हैं तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी आपका रिवर्स हो जाएगा। सपोज मैं ऐसा आपको बोलता हूँ, सपोज ये लॉग ये दिया है, लॉग कितना बेस 1/2x है, ओके, ये लेस देन है, ओके, और ये लॉग बेस 1/2y है। यहाँ पर दोनों तरफ लॉग हटाना है, दोनों तरफ लॉग हटाना है, तो क्या करोगे, हाफ मीन्स ये किसके बीच में आया, हाफ मीन्स इनके बीच में आया, इनका भी इसका ग्राफ भी ऐसा बनता है, डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। तो जब ये दोनों तरफ लॉग हटाते हैं, लॉग तभी हटेगा, दोनों का बेस सेम होना है तभी जाकर हटेगा, ओके। जब बेस हटाते हो डिक्रीजिंग फंक्शन का तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ही होता है, ओके। और एक तो कह देते हैं, सपोज लॉग 0.2, ओके, 0.2 एक्स ग्रेटर देन यानी तो इक्वल टू जो दीजिए, ओके, ये 0.2 y, ओके। तो ये आपका बेस सेम है, बेस सेम है, अब तो हटेगा, ओके, लेकिन 0.2 इसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है, ये एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब इसका दोनों तरफ ये दोनों लॉग हटाते हो डिक्रीजिंग फंक्शन में तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। क्या रे बच्चों, समझे क्या मैं बोल रहा हूँ, डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। और एक भी है आपका ऐसा है, सपोज तुम्हारा ये लॉग, ओके, ये 1/2 है एक्स, ओके, ऐसा है कि सपोज ग्रेटर देन वाई है, ये इसको उधर लेना चाहता हूँ, जब मैं इसको उधर लूँगा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, हाफ मीन्स ये तुम्हारा 0 और 1 के बीच में रहता है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। देन ये हाफ, ये वाई, हाँ हाफ का पावर, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में जब करेंगे, क्योंकि ये एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बार इधर है कि तुम्हारा फोर्थ बात बोलते हैं कि लॉग सपोज आपका 0.4, ओके, ये लेस देन आपका वाई है, ओके, यहाँ पर एक्स है, मुझे एक्स चाहिए, ये उधर जाएगा 0.4 का पावर वाई हो जाएगा, देन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो दोनों तरफ ऐसे लॉग हटाओ, दोनों तरफ लॉग हटाओ, या दोनों तरफ ये, नहीं तो ये एक्सपोनेंट उधर जाके क्या करो, ओके, लॉगरिथम उधर जाके एक्सपोनेंट करो, तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है जब बेस का वैल्यू, जब बेस का वैल्यू किसका बीच में रहता है, 0 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है। सो लॉग 1/2x, लॉग 0.4x, जो ये इसका ग्राफ, साबी का ग्राफ ऐसे ही आएगा, ठीक है। और एक तो का ग्राफ है, लॉग का दो ग्राफ होता है, एक 0 से 1 और एक तो ग्रेटर देन 1, क्योंकि लॉग एक्स जो है ना ग्रेटर देन 0, ओके, और ए का वैल्यू 1 नहीं होता, तो 0 से 1 एक ग्राफ है, ग्रेटर देन 1 में एक ग्राफ है। लॉग का और एक तो ग्राफ है, लॉग का और एक तो ग्राफ है, ओके, दो दो ग्राफ होता है, जब ए ग्रेटर देन 1, जब ए ग्रेटर देन 1 मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन में इस तरफ उस तरफ करो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा। हर इंक्रीजिंग फंक्शन में, हर इंक्रीजिंग फंक्शन में
तभी इनकी फंक्शन में इस तरफ उस तरफ करो, साइन का कोई नहीं चेंज नहीं होगा। अगर वो एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगे अगर वो एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसका साइन इधर उधर करोगे तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी आपका रिवर्स हो जाएगा। तो बच्चों ये ए ग्रेटर देन वन, ये सभी का ग्राफ ऐसा आएगा, जिसका सपोज सपोज लॉग टू एक्स का ग्राफ ऐसा ही आएगा, क्योंकि टू जो है क्या ग्रेटर देन वन। ओके लॉग टेन एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि टेन जो है ग्रेटर देन वन। और ये आपका लॉग बेस ई एक्स का ग्राफ हाँ ऐसा ही आएगा, क्योंकि ई जो है 2.7 नियर अबाउट 2.78, ये एक तो ओके इरेशनल नंबर है। ओके तो ये तुम्हारा इसका ग्राफ। ओके ये एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन है बेस 2 10। ओके जिसका ग्रेटर देन वन होता है, यहाँ पर बच्चों आपका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा। ओके अगर ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। अगर इधर दोनों तरफ अगर लॉग हटाते हो तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि बेस जो है ग्रेटर देन वन है। ओके नहीं तो ऐसा है। ओके ओके टेन द्वारा एक्स जो है, ये द्वारा टेन टू दर कितना वाई है, ठीक है। तो बच्चों द्वारा ये उधर जाएगा तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। ओके ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया आपको? अगर बेस जीरो से वन के अंदर है, अगर कोई भी इसे चेंज करते हो तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी जीरो के वन बेस अगर है, तो कुछ भी अगर इस तरफ उस तरफ करते हो तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या दोनों तरफ लॉग हटाते हो, नहीं तो ये करते हो तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। अगर बेस अगर ग्रेटर देन वन हो, जब इस तरफ उस तरफ करते हैं तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, लॉगरिथम के बारे में समझ में आया? लॉग का दो ग्राफ है, ग्रेटर देन वन में एक ग्राफ है, ओके और आपका जीरो टू वन के बीच में एक ग्राफ है। और एक बात है, जिक डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर इस तरफ भाव है वो उस तरफ जाके कुछ ये होता है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ठीक है तो चलिए करते हैं क्लास क्वेश्चंस। ठीक है ये इसको सॉल्व करना है। ओके तो ये इसको हम देखिए, यहाँ पर ये बेस जो है जीरो से वन के बीच में है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या करेंगे क्या करेंगे जब उस तरफ जाए तो क्या होगा बोलो? ये टू माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स एक्स ओके जब उस तरफ जाएगा तुम्हारा बच्चों हाँ तो साइन ऑफ द इनइक्वल टू माइनस वन ओके वन बाय थ्री का पावर माइनस वन ओके। अच्छा बच्चे यहाँ पर दो कंडीशन है बच्चों, ओके एक तो ये है हम सॉल्व करेंगे ये तो है, और एक तो कंडीशन है एंड एंड मीन्स इंटरसेक्शन, और एक कंडीशन है लॉग का जो एक्स है ना हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना है। दो कंडीशन है, एक तो ये तो सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, और एक तो कंडीशन है ये लॉग का जो एक्स है ये ग्रेटर देन जीरो होना है, एक तो कंडीशन है बच्चों। दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके इक्वल टू भी नहीं होगा, ओनली ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमारा जो कंडीशन जब करते हैं कि लॉग एक्स ये सब कंडीशन अप्लाई होता है, जब ऐसा होता है तीन कंडीशन है, एक्स ग्रेटर देन क्या होता है जीरो, ए का दो कंडीशन है ए ग्रेटर देन जीरो और ए नॉट इक्वल टू वन, ए का दो कंडीशन एक्स का एक की कंडीशन है। तो बच्चों तो जब भी तुम्हारा ऐसा है कि यहाँ पर दो एंड मीन्स इंटरसेक्शन लेना है, इसका एक तो आएगा और इसका एक तो आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन तुम्हारा आएगा, ठीक है ये भी होना है एंड ये भी है, ये तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होना, ये नेगेटिव होने से नहीं होगा, ये नेगेटिव होने से नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव नॉट डिफाइंड होता है, एक्स का लॉग माइनस टू नॉट डिफाइंड, लॉग माइनस टू लॉग माइनस थ्री नॉट डिफाइंड, एक्स ग्रेटर देन क्या जीरो होना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दो कंडीशन लागू होगा, पहला बात ये ग्रेटर देन जीरो होना, सेकंड बात ये सॉल्व जो करेंगे इसमें से आएगा। ओके एंड फॉर इंटरसेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए ये तुम्हारा जब इधर जाएगा एक्सपोनेंट होगा वन बाई थ्री का बार कितना माइनस वन, तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ओके ये टू माइनस थ्री एक्स बाई कितना एक्स, ये वन बाई थ्री का माइनस वन बोलिए क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, जब रेसिप्रोकल करेगा तो माइनस नहीं रहेगा,
ठीक है। तुम बच्चे उसको वेबिकर मेथड में करेंगे, वेबिकर मेथड में हमेशा लेफ्ट साइड में राइट साइड में जीरो रहता है, तो इसे वेबिकर मेथड करेंगे, इसीलिए क्या करेंगे ओके, ये प्लस थ्री को इस तरफ लाएंगे, हमेशा कोई भी वन टू थ्री कुछ भी रहता है उसको इस तरफ लाइए, क्योंकि वेबिकर मेथड तभी अप्लाई होता है कि जहाँ पर राइट साइड में जीरो रहता है ओके, तो राइट साइड में जीरो लाना है। तो बच्चे क्या कीजिए, ये प्लस थ्री को इस तरफ लाइए, माइनस थ्री ओके। सर इसको नॉर्मली भी तो कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज व्हाट, ऑलवेज ब्रिंग दिस साइड और राइट साइड में जीरो रखो, सो दैट यू कैन अप्लाई वेबिकर मेथड, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट बात है तुम्हारा, ये तुम्हारा टू माइनस कितना, थ्री एक्स एलसीएम ओके, एलसीएम एक्स ओके ओके। तो तुम्हारा नॉर्मली करोगे ना, यहाँ पर गलती हो जाएगा तुम्हारा, हाँ वो हमेशा इसको इस तरफ ला के ही सॉल्व करो ओके, यहाँ पर एक्स नीचे एक्स नहीं रहेगा, नॉर्मली करोगे तो एक्स नीचे एक्स नहीं रहेगा, अलग अलग आएगा ओके, हमेशा प्लस थ्री को इस तरफ ला के करो, राइट में जीरो रखो, सो दैट यू कैन अप्लाई वेबिकर मेथड ओके। देखिए यहाँ टू माइनस थ्री एक्स और ये क्या माइनस थ्री एक्स, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा नीचे x नहीं रहने वाला, अगर तुम इसे डायरेक्ट इंटू कर दे तो यहाँ पर 3x हो जाता, माइनस सिक्स से नीचे और x नहीं रहने वाला था ओके। तो हमेशा ये 3 को इस तरफ लाओ, माइनस थ्री लाओ ओके, ठीक है बच्चों, ये प्लस 3 को इस तरफ लाओ, माइनस थ्री लाओ ओके। यानी तुम्हारा एल से माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी तुम्हारा क्या होता है कितना, टू माइनस सिक्स एक्स बाई एक्स, ये कितना लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन तुम्हारा देखो हमारा क्या ना, जो वेबिकर मेथड में एक्स का वो पॉजिटिव रहना है, तो इस तरह माइनस मल्टीप्लाई करो, इस तरह भी माइनस मल्टीप्लाई करो, ये प्लस सिक्स एक्स माइनस टू ओके, इस तरह भी माइनस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएगा बोलिए, एक्स इक्वल टू टू बाई टू बाई मतलब वन बाई थ्री, क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा एक एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, लेकिन डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, और इसे करोगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल कितना, वन बाई थ्री, वन बाई कितना नहीं रे, वन बाई थ्री आएगा सर, सिक्स एक्स माइनस टू देन सिक्स एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू टू बाई सिक्स कितना, इक्वल टू वन बाई थ्री। आप क्या करो देखो, यहाँ पर बच्चा हमेशा ये कोएफिशिएंट एक्स को पॉजिटिव करना है, तो इधर है माइनस मल्टीप्लाई और किए ऊपर में, तो माइनस मल्टीप्लाई किए तो प्लस सिक्स एक्स माइनस टू हो गए, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये तुम्हारा ये ऑन द नंबर लाइन ये करो असेंडिंग ऑर्डर में ओके, पहला जीरो आएगा ओके, ये वन बाई थ्री आएगा ओके, ये इनफाइनाइट और क्या माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, और क्योंकि कोएफिशिएंट एक्स पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट एक्स पॉजिटिव है और पावर ऑड है, तो प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव करके चले जाओ ओके, ऑड पावर है और ये ओके। अच्छा तो हमें ये ग्रेटर देन है तो प्लस पार्ट लेना है, और जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होगा, नीचे का क्रिटिकल इंक्लूड नहीं होगा, यही वेबिकर मेथड है। तो प्लस का पार्ट लेना है बच्चों, तो एक्स बिलोंग्स टू कितना हुआ, इक्वल टू है तो बच्चे इक्वल टू है तो क्वेश्चन में इक्वल टू दिया था ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा देखो, वन बाई थ्री से कितना इन्फिनिटी हो गए, और यूनियन ये माइनस इन्फिनिटी से कितना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। यहाँ पर एक क्लोज ब्रैकेट देना था, लेकिन डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, इसलिए ओपन ब्रैकेट दोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, थोड़ा बच्चों ओके, ये बच्चों हो गया क्या, माइनस इन्फिनिटी से कितना जीरो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो का लेकिन इंक्लूड नहीं करो क्योंकि डिनोमिनेटर का है, ठीक है। तो बच्चों ये एक तो है, और वन बाई थ्री को लेकिन इंक्लूड करोगे बच्चों क्योंकि न्यूमरेटर का है ओके, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट तो है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल जीरो,
एंड बोला एंड, क्योंकि जब लॉग ये है एक बात ही तो सॉल्व करेंगे, और ये जब ये हाँ बेस जीरो से वन है तो साइन ऑफ देन इक्वल टू रिवर्स होगा। ओके ये ग्रेटर देन इक्वल टू था लेस देन इक्वल टू है। नेक्स्ट बात है ये पार्ट भी क्या होना है, ग्रेटर देन जीरो, लॉग का ये पार्ट भी एक्स ग्रेटर देन जीरो होना है, तो ये कंडीशन भी आ रहा है। ओके कोफिशिएंट एक्स पॉजिटिव करो, कोफिशिएंट एक्स पॉजिटिव करने से क्या होता है ये प्लस थ्री एक्स माइनस टू, इधर माइनस मल्टीप्लाई किया गया कोफिशिएंट एक्स पॉजिटिव करने के लिए, तब इधर माइनस मल्टीप्लाई करते हो साइन ऑफ देन इक्वल टू रिवर्स होता है। कोफिशिएंट एक्स पॉजिटिव की क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, ये एक्स का वैल्यू जीरो और क्या एक्स का वैल्यू कितना 2/3। ठीक है आप देखो इसको नंबर लाइन में ये करो, एक्स का वैल्यू जीरो और कौन ये 2/3, ये प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी एंड। ओके एंड फॉर इंटरसेक्शन तुम्हारा रिजल्ट जाएगा। ओके देखिए तुम्हारा ये क्या होता है, ये कोफिशिएंट एक्स पॉजिटिव है, कोफिशिएंट एक्स पॉजिटिव है तो प्लस माइनस करके करोगे क्योंकि पावर ऑड है। ओके ये प्लस माइनस प्लस करते जाओगे, अगर तुम्हारा ये तुम्हारा लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट लिया जाएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू और इक्वल नहीं है इसमें, इक्वल लाइन में सभी ओपन ब्रैकेट, एक्स बिलोंग्स टू कितना जीरो टू कितना 2/3। तो बच्चों ये एक तो है, ये एक तो कंडीशन सेटिस्फाई करना है एंड ये एक तो कंडीशन सेटिस्फाई करना, दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन देखो लिया जाएगा, तो एक हमारा आया है 0 से 2/3 और दोनों ओपन है, एक हमारा सॉल्यूशन आया है 0 से 2/3 दोनों ओपन है। ओके ठीक है और एक तो हमारा आया है ये 0 से 2/3 तो ओके अच्छा, और एक तो हमारा आया है 1/3 से, ये 1/3 से इनफाइनाइट ये अच्छा 1/3 कितना होता है डेसिमल तरह बनाइए, शायद 2/3 बड़ा होता है 1/3 छोटा होता है। अच्छा ओके देखो 1/3 इंक्लूड है, 1/3 इंक्लूड है, इंक्लूड होके ऐसे जा रहा है किधर, ठीक है 1/3 से ज़्यादा, 1/3 से इनफाइनाइट जा रहा है, 1/3 से इनफाइनाइट, ओके 1/3 से इनफाइनाइट जा रहा है। ओके और क्या है माइनस इनफाइनाइट से जीरो जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से कितना जीरो तक जा रहा है, ये जीरो जीरो इंक्लूड नहीं है, माइनस इनफिनिट जा रहा है। ओके तो दोनों में इंटरसेक्शन हमारा है एंड, ये एंड ये दोनों सेटिस्फाई करना है, एक है ये पार्ट ग्रेटर देन जीरो होना है और जो सॉल्व करना वो भी दोनों पार्ट ये करना है एंड दोनों सेटिस्फाई करना है, तो दोनों सेटिस्फाई करना मीन्स इंटरसेक्स लेना है। तो यहाँ पर देख लो सर कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। एंड तो बोला नहीं, क्या बोलो क्वेश्चन में क्या है एंड बोला, मैं क्यों एंड बोला बोलो तो वही तो सर समझ नहीं। सपोज तुम्हें एक्स का वैल्यू तुम्हें ये ले लेंगे, ओके ये इसके बीच में लेंगे ना, इसके बीच में एक्स का वैल्यू अगर लेंगे तो ये पार्ट नेगेटिव नहीं होगा, इसका बीच में जो भी वैल्यू आएगा, ओके इसका बीच में जो भी वैल्यू तुम लोग इसके अंदर यहाँ पर, ओके तो ये पार्ट पॉजिटिव होगा और ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके दोनों होगा ये भी होगा और ये भी होगा एंड दोनों होगा, इसको भी ये ग्रेटर ये पार्ट भी ग्रेटर देन जीरो होगा एंड इसका वैल्यू भी सॉल्व इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। किसके बीच में लोगे, किसके बीच में वैल्यू लोगे, इसके बीच में वैल्यू लोगे। अगर तुम यहाँ पर कोई एक तो वैल्यू ले लोगे, यहाँ पर कोई एक तो वैल्यू ले लोगे, ये इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको सेटिस्फाई अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि लॉग का ये पार्ट क्या होता है, लॉग का एक्स हमेशा क्या होना है जीरो होना है। तुम बोलोगे साहब तो ये भी आया है हम ये लेते हैं, ये जीरो से माइनस इनफिनिटी, एक काम करो जीरो से माइनस इनफिनिटी माइनस वन ले लो। ओके यहाँ पर भी आता है जीरो से माइनस इनफिनिटी, ओके यहाँ पर भी आया है। ओके
नहीं, यहाँ पर 0 से 2 बाई 3 आया है। ओके, 0 से 2 बाई 3 मीन्स एक काम कर लो, 0.2 कुछ ऐसे है। एक्चुअली हमारा जो आया इसके ये वाला पॉइंट ले लो, इसके बीच में कोई एक तो पॉइंट लेके देखना, वो एक्स का ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर जो जो पॉइंट्स लोगे वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी एंड उसको भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इधर का कोई पॉइंट नहीं तो इधर का कोई तो पॉइंट करोगे लोगे एक सेटिस्फाई होगा, सपोज सॉल्व का सेटिस्फाई होगा, लेकिन ये ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई होना है, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना है और ये इसका इसका जो वैल्यू आएगा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है, दोनों को सेटिस्फाई करना है, इसीलिए एंड लगा जाता है, समझ लो ना। सपोज एंड और मीन्स कोई एक होने से चलेगा, और मीन्स एक होने से चलेगा। सपोज एक तो जॉब के लिए निकला है कि वो बोलता है कि आईटीआई करो, नहीं तो प्लस टू और प्लस टू साइंस करो, तो जो बच्चे आईटीआई के वो भी अप्लाई करेंगे, जो बच्चे प्लस टू साइंस किए वो भी अप्लाई करेंगे। अगर उसमें थोड़ा अगर एडवांटेज हम चेंज करेगा एंड बोल देगा, अगर एंड बोल देगा मीन्स क्या है, वो लड़का आईटीआई भी होना है एंड प्लस टू 12th भी पास करना है, 12th पास क्या होगा साइंस में एंड आईटीआई क्या होगा वही अप्लाई करेगा, कोई एक में अप्लाई नहीं, कोई आईटीआई वाला अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए चाहिए एंड मीन्स दोनों चाहिए, एंड मीन्स दोनों। और तुम पढ़े नहीं हो कि हम लोग का जो सेट थ्योरी में पढ़ाते थे और फॉर क्या होता है, बच्चों सेट थ्योरी में और फॉर क्या होता है, यूनियन, एंड फॉर क्या होता है, एंड फॉर क्या होता है, इंटरसेक्शन। ओके, तो दोनों जब चाहिए दैट इज योर एंड, ओनली एक होने से नहीं होगा, सिर्फ ये सिर्फ इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से नहीं होगा, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना है एंड, अंडरस्टूड, जो एंड लगता है इंटरसेक्शन लोगे बच्चों, इसका भी इंटरसेक्शन, इसका और उसका दोनों का इंटरसेक्शन, और इसका आंसर ए आएगा 1/3 से 2/3 आएगा। आया कि नहीं बच्चा हमारा आंसर, एक्स बिलोंग्स टू क्या है बोले ना, नहीं लिखे हम लोग, ये आया इसके बाद नहीं लिखे हम, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा देखिए, ये क्लोज पूरा इंक्लूडिंग है, तो 2/3 भी इंक्लूडिंग है, तो 1/3 तो इंक्लूडिंग है, 2/3 ओपन है। ओके, तो 1/3 से 2/3 ये नहीं दिया, मैं गाढ़ा नहीं दिया इसको। ओके, 1/3 क्लोज ब्रैकेट, 2/3 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो बच्चों ये सॉल्व का एक्टो करोगे और इसके साथ साथ एंड ये भी कंडीशन दोगे, और एक्टो बच्चों कीजिए सॉल्व। ओके बच्चों, एक बात है कि जब ये हम बेस सेम है तो उसको सॉल्व करना, बच्चा एक्स का वैल्यू निकालना है, तो बेस सेम है तो रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करेंगे तो क्या होगा बोलिए, रिमूव करेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा बोलिए, साइन रिवर्स हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बेस जो है 0 से 1 के बीच में, इसलिए साइन रिवर्स हो जाएगा। सेकेंड बात है एंड यहाँ पर और दो एंड और क्या है बोलिए, ये क्या होना है बोले, ये क्या होना है, 2 - x क्या होना है, ग्रेटर देन 2 - x ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं रहेगा इधर। ओके, एंड और भी और क्या होना है, लॉग का ही एक्स ग्रेटर देन 0 होना, और भी ये क्या होगा बोलिए, वो भी ग्रेटर देन 0, ये 2 / कितना, एक्स प्लस 1, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, तो ये तीन कंडीशन है, आप सेटिस्फाई करके एक्स का क्या आया मुझे बोली सर, आंसर क्या आया बोले, हाँ बोले क्या आंसर आया सर, वो ओपन ब्रैकेट -1 0 यूनियन 1 उस ओपन ब्रैकेट 1, 2। तो बच्चे देखिए ये आपका, ओके तो ये 0 से 1 के बीच में है बेस, इसीलिए जब ये दोनों तरफ, हाँ यहाँ पर भी बेस सेम है, जब दोनों तरफ लॉग हटाओगे
तो साइन ऑफ द इन इक्वल टू चेंज होगा, ये एक कंडीशन है, और ये पार्ट ग्रेटर देन जीरो होना, ये भी पार्ट ग्रेटर देन जीरो होना। ओके तो यहाँ पर देखिए हमेशा वेबी कर्व मेथड जब हम करते हैं तो उसको इस तरफ ले आते हैं। ओके ये टू माइनस एक्स लेस देन कितना, ये टू माइनस एक्स लेस देन टू बाय कितना एक्स माइनस वन, ये लेस देन जीरो। ओके वेबी कर्व मेथड के लिए हमेशा राइट साइड में क्या जा रहा है, जीरो, इसलिए इसको इस तरफ ले आइए। ओके देन इसका एलसीएम कितना आएगा बोलिए, इसका एलसीएम कितना आएगा एक्स प्लस वन, थोड़ा रुक जाइए। ओके एक्स प्लस वन, ओके एलसीएम, ओके देन ये टू माइनस एक्स इंटू कितना, टू माइनस वन एक्स इंटू कितना एक्स प्लस वन, ये माइनस टू। ओके ठीक है, ये इसको तब ले लीजिए कि हम वेबी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। वेबी कर्व मेथड तभी अप्लाई होता है जब राइट में जीरो होता है। ओके ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाला ये इंटू किए बच्चों, नीचे वाला ऊपर वाला इंटू किए, क्या आ रहा है एक्स प्लस वन और क्या। ओके ये टू इंटू कीजिए टू एक्स प्लस टू, टू बच्चों इंटू किए टू एक्स प्लस टू, माइनस एक्स इंटू कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू कीजिए कितना रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस टू लेस देन कितना जीरो। ठीक है बच्चों, टू इंटू किए टू एक्स प्लस टू, अगेन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये माइनस टू बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसे एक्स प्लस वन से डिवाइड करोगे। क्या बोलो क्या बोलो, मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रहे हो सर, वहाँ दो क्यों मल्टीप्लाई होगा, ये तुम्हारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा कि टू माइनस एक्स और एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई नहीं होगा, एलसीएम एक्स प्लस प्लस कर देने से फिर साइन चेंज हो जाएगा ना। मैं समझा नहीं, और रुको वो तो बाद में करेंगे, मैं सिर्फ तो ये तो इसको इस तरफ ले आया ना, इसको इस तरफ ले आया यहीं पर, तो इसका उस तरफ कुछ नहीं जा रहा है। ओके इसको उस तरफ कुछ नहीं जा रहा, तो इसी का ये इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर इधर का कोई जाएगा इस तरफ कुछ मल्टीप्लाई, दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई आएगा तभी साइन चेंज होगा। तो ये एक्स प्लस वन हमें एलसीएम लिए। ओके तो एक्स प्लस वन एलसीएम जब लिए, एक्स प्लस वन टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स प्लस वन इसे डिवाइड करोगे वन आएगा, वन इंटू माइनस टू माइनस टू होगा, इधर मल्टीप्लाई करो टू एक्स प्लस कितना टू, ये माइनस एक्स स्क्वायर और क्या माइनस एक्स, और ये माइनस टू कितना आ रहा है देखिए ऊपर में, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू एक्स माइनस एक्स। ओके ये प्लस टू कट जाता है बाय कितना एक्स प्लस वन, जब टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये टू एक्स माइनस वन एक्स होता है। ओके ये लेस देन कितना जीरो, देन बच्चों इधर क्या कॉमन लेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लेने से कितना होता है ओके की बात है, माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए कोई बात नहीं, माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। ओके माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या एक्स माइनस वन आ जाएगा। ओके और ये क्या एक्स प्लस वन आएगा। ओके लेस देन जीरो, ये नेगेटिव मत रखिए, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस एक्स एक्स माइनस वन और क्या एक्स प्लस वन। ओके नेगेटिव मत रखिए, ओके तो जब माइनस इधर मल्टीप्लाई उधर मल्टीप्लाई साइन ऑफ द इन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएगा जीरो आएगा। ओके वन आएगा और क्या माइनस वन आएगा। ठीक है तो उसके बाद थोड़ा देखिए, क्योंकि कोएफिशिएंट एक्स पॉजिटिव यहाँ पर सभी है, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए माइनस वन जीरो एंड वन क्रिटिकल पॉइंट ऑस्टन। एक बार क्या माइनस इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, माइनस वन जीरो वन ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस से चलता जाएगा। ठीक है अच्छा, ये ग्रेटर दान है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हुआ ये वन से इनफाइनाइट, और यहाँ पर जो है ये पर इक्वल नहीं है,
इक्वल नहीं है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, सब भी ओपन रहेगा। ये वन से इनफाइनाइट यूनियन और क्या, ये माइनस वन से जीरो ओके यूनियन, हाँ एक्स में उस टू और क्या माइनस वन से जीरो वन से ये ओके। तो ये इतना ये वाला पार्ट है एक्स बिलोंग्स टू ओके माइनस वन से जीरो और वन से इनफाइनाइट ओके। ये एक तो कंडीशन है ठीक है, इसका सॉल्व किया। दूसरा कंडीशन ये पार्ट भी ग्रेटर देन जीरो होना है, तो टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो तो माइनस एक्स ओके, और ग्रेटर देन कितना होता है प्लस टू, तो जाएगा माइनस टू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है ओके। ये प्लस टू तो जाएगा माइनस टू, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए ओके। नेक्स्ट बात है इधर करेंगे ओके, तो इसका भी ये भी एक है ओके, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा माइनस वन आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन आएगा ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वन से कितना इंफानेट माइनस इंफानेट, देखिए अच्छा तुम एक काम करो, इसमें एक पॉइंट लेके देखो प्लस आ रहा ना माइनस आ रहा है ओके। ये तुम्हारा ये एक्चुअली प्लस माइनस कर सकते हो क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लस माइनस कर सकते हो ओके। नहीं तो एक काम कीजिए इधर एक पॉइंट लीजिए फोर लेके डालिए, ये पॉजिटिव आएगा फोर फाइव के इधर, इधर एक पॉइंट लेके दिए माइनस टू माइनस तो डालिए नेगेटिव आएगा ओके। लेकिन ये कोएफिशिएंट एक्स पॉजिटिव है तो प्लस माइनस आएगा, इसका क्या हुआ एक्स बिलोंग्स टू कितना हुआ, लेकिन डिनोमीटर इंक्लूड नहीं हुआ कि हाँ माइनस वन से कितना इनफाइनाइट, एक्स बिलोंग्स टू कितना माइनस वन से कितना इनफाइनाइट ठीक है। अभी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना है, ये भी सेटिस्फाई होना है, ये भी सेटिस्फाई होना है, तो सभी का एक ही तो नंबर लाइन बनेगा और इंटरसेक्शन तीनों का इंटरसेक्शन जाएगा तीनों का ओके। ये और ये और ये और ये तीनों का इंटरसेक्शन जाएगा ओके। एक है माइनस वन से माइनस इनफाइनाइट, सॉरी माइनस वन से कितना माइनस वन से कहाँ तक इनफाइनाइट ओके, माइनस वन से इनफाइनाइट जाएगा ओके। इंक्लूड नहीं हो रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहा, ओपन ब्रैकेट है। और एक है लेस देन टू, टू इधर आएगा, टू किधर आएगा तो जान लीजिए। और ये एक बार असेंडिंग ऑर्डर रहना चाहिए क्रिटिकल, लेस देन टू ओके, लेस देन टू ओके। दूसरा है माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो, दोनों ओपन है, माइनस वन से जीरो ओके। तीसरा है वन से इनफाइनाइट, और इसको सभी असेंडिंग ऑर्डर रहना है वन से इनफाइनाइट ओके। तो बच्चों देखो तीनों का आपका ये जाना, तीनों का क्योंकि तीनों का एंड है, हाँ ये एंड है, ये एंड ये तीनों का इंटरसेक्शन जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन नहीं आया तो फाइव हो जाएगा ओके। तो देखो और ये तुम्हारा तो एक्स बिलोंग्स टू कितना आ रहा है तुम्हारा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो यूनियन वन से टू ठीक है। आप लोग का ये आया बच्चों, मेरा बच्चों ये आया आंसर आपका ओके ठीक है। आज बच्चों इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास हम और फिर से पढ़ेंगे ओके। मैं लॉगरिथम का कुछ इनइक्वालिटी भेजूंगा ओके ठीक है, आप टेस्ट कल का टेस्ट दे दीजिए आप ओके। अरे समझ में आया यस यस। और